नमस्कार दोस्तों, एकड़ में जमीन कैसे मापते हैं सवाल किया हुआ है। दोस्तों एकड़ में तो मापते नहीं है, टेप मीटर और जरीब से ही मापा जाता है। हम लोग किसी बड़े प्लाट को एकड़ में जानेंगे। दोस्तों पहले एक एकड़ कितने को कहते हैं इसको जान लीजिए। ऐसे हमारे इस चैनल में बताया गया है, 5 जरीब, 5 जरीब लंबाई और 2 जरीब चौड़ाई, ये एक एकड़ का प्लाट है दोस्तों। और इसका लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल आएगा 5 गुणे 2 बराबर 10 स्क्वायर जरीब होता है। अब इसको फुट में जानेंगे। एक चैन या जरीब बराबर 66 फुट होता है और एक फीट बराबर 12 इंच, इसको सब जानते हैं। और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और कड़ी को देखिए, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। और सेंटीमीटर में एक कड़ी बराबर 20.6168 सेंटीमीटर, इतना होता है दोस्तों। अब इसको 5 गुणे 66 कर दीजिए, 330 होगा। ये 330 फीट लंबाई, ठीक। और 2 गुणे 66, 66 दूना 132 होगा। 2 जरीब बराबर 132 फीट, ये फीट है, 132 फीट। अब कितना स्क्वायर फुट इसको जानिए, 330 गुणे 132 बराबर ये 43,560 स्क्वायर फीट होगा दोस्तों। फीट में इतना स्क्वायर फीट होगा। अब हम इतना बड़ा प्लाट लेते हैं, ये है कोई प्लाट है, ये 10 जरीब आपने नापा, अब ये 7 जरीब नापा, इधर से माप किए हैं। ये 10 जरीब लंबाई, 7 जरीब चौड़ाई, तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई कर दीजिए, 10 गुड़े 7 बराबर 10 7 70 स्क्वायर जरीब, 70 स्क्वायर जरीब होगा दोस्तों। अब एक एकड़ बराबर 10 स्क्वायर जरीब है, तो 70/10 कर दीजिए, 10 7 70, यानी कि ये वाला प्लाट जो है 7 एकड़ होगा दोस्तों। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं और इसको फुट में भी बदल सकते हैं इजी तरीका से। फुट से भी डिवाइड करेंगे तो इतना ही एकड़ होगा दोस्तों। और एक एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज, इसको सभी वीडियो में बताया गया है। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।